चारों तरफ हर आदमी को ऐसे लगने लगा स्टॉक मार्केट तो बस यूं है, चुटकियों में हो जाएगी. लाइक व्हाई डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ यू नो बूम हैज सडनली कम? लाइफ चेंजिंग मतलब की फिलॉसफी है शेयर बाजार. बट होता क्या है, तो ड्यूरिंग कारगिल वॉर वाज हैपनिंग उसी टाइम पे मार्केट ऊपर होने लग गए. बाजार वो अखाड़ा है, इस अखाड़े में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो आजकल के हिसाब किताब में ना पैसा दे जाएंगे. आदमी कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊं. और मेरा 80% जो पैसा लगा हुआ है वो चांदी के ETF में लगा हुआ है. जब आप रिसर्च बोलते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? देखिए बाजार में देखो एक ही चीज़ है, रिसर्च से मतलब बेसिकली क्या है, ITC कोविड के बाद 220 रुपये के अराउंड था. सबसे ज़्यादा चुटकुले मीम्स ITC पे बनते थे. मैंने उस टाइम पर 1,00,000 शेयर इसके उठाए थे. क्या मुझे डिविडेंड के लिए वेट करना चाहिए और डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? अब मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे तो ना किक चाहिए. अच्छा एक चीज़ और बताइए, म्यूचुअल फंड्स पे आपकी क्या टेक है सर? देखो जो दिखता है ना वो बिकता है. ऐसी कोई मिस्टेक है जो ये 20 से 35 साल वाले लोग कर देते हैं? देखिए जी ये ना एक्चुअली क्या है कि पहली चीज़ तो क्या है, जो 20 से 35 साल वाले हैं ना ये क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं. कोविड की वेव 2 आई ठीक है ना, तब लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, बाजार नहीं गिर रहा है. नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में. और इस एपिसोड के लिए मैं बेहद उत्साहित हूं क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो एक खास हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है हम सब की ज़रूरत बहुत सारा पैसा. हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ यूजिंग स्टॉक मार्केट्स इन द राइट वे. और वो कोई 2-3-5 साल से ये काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास करीब 25 सालों का फील्ड एक्सपीरियंस है, रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस है. और आज बहुत सारे टीवी शोज़ में उनकी रिकमेंडेशन के लिए और उनकी रिसर्च के बेस पर जो वो रिकमेंड करते हैं उसके लिए उन्हें बहुत बार टीवी पे बुलाया जाता है, बहुत बार आपने उन्हें सुना भी होगा. और आज हम टिप्स की ट्रिक्स की डिस्कशन नहीं करने वाले आपके साथ, आज जो हम बातें करने वाले हैं वो हैं स्टॉक मार्केट के रिसर्च के पहलुओं की जिससे आप सही निर्णय ले पाएं. तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे इस शो पर राकेश बंसल जी का. राकेश जी दिल से स्वागत है आपका. नमस्कार दीपक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि सब कोई ट्रेडिंग की बातें करता है, कोई इंट्राडे की बातें करता है. आज हम बेहद उत्साहित हैं आपको देख के और आपको इस शो पे हमारे साथ पाकर कि आज हम शायद कुछ डेप्थ वाली बातें करेंगे, रिसर्च वाली बातें करेंगे जो लोगों को बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगी. और हमारी ऑडियंस राकेश जी जो है ना वो उन लोगों की है जो लाइफ के प्रति सीरियस हैं. हम लोग कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती हमारे किसी भी चैनल पे, हम लोग एजुकेशन की बातें करते हैं, स्किल्स की बातें करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करते हैं. तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाली ज़िंदगी में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, tier 2-4 सिटीज़ या विलेजेस में और शहरों में जो लोग हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देखें, किस तरह का उनका नज़रिया हो जिससे वो इसको अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बना सकें अपनी वेल्थ क्रिएशन का? देखिए दीपक जी, शेयर बाज़ार एक वो ज़रिया है जहाँ पर मतलब कि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास HNI में तब्दील हो जाता है. देखो ये तो ना एक लाइफ चेंजिंग मतलब की फिलॉसफी है शेयर बाज़ार. बट होता क्या है, नथिंग इज़ ओवरनाइट. जैसे हम कोई, जैसे आप बोल रहे हैं ना सीरियस आपका व्यूअर है, एजुकेशन पे फोकस है, तो जैसे कोई CA, डॉक्टर, इंजीनियर ओवरनाइट नहीं बनता है. तो वेल्थ भी जो है ना ओवरनाइट नहीं आती है, वो ग्रेजुअली आपको आती है. शेयर बाज़ार ना एक काफ़ी अच्छा जरिया है. बट होता क्या है कि ना व्यक्ति जो है ना शॉर्टकट्स के पीछे भागता है. शॉर्टकट तो ना लाइफ में है ना शेयर बाज़ार के अंदर है. शॉर्टकट्स तो मतलब कि लाइफ में भी नहीं है, शेयर बाज़ार के अंदर भी नहीं है. और अगर आप देखें तो जो शेयर बाज़ार के गुरु हैं जैसे वॉरेन बुफेट जी को सब सुनते हैं, फिर डाउ थ्योरी लिखी गई है चार्ल्स एच डाउ के पीछे, फिर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाओ, चार्ट पैटर्न्स की बात होती है. उसके जन्मदाता हैं जॉन मर्फी ठीक है. इन्होंने कभी भी ना इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की बात नहीं करी है, इन्होंने कभी भी इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की बात नहीं करी है. ये लोग वो हैं जो कहते हैं कि कभी भी मार्केट की करेक्शंस को आप टाइम मत करो. इसलिए मत करो कि जो करेक्शंस होती है ना वो अपना डायरेक्शन ओवरनाइट चेंज कर लेती हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कारगिल वॉर हुई थी, मैं 97-98 से मार्केट के अंदर हूं, कारगिल वॉर हुई थी, मैं तब से टेक्निकल कर रहा हूं ठीक है. तो मार्केट ने पहला हायर टॉप हायर बॉटम लगाया और कुछ दिनों बाद
कारगिल वॉर हुई और निफ्टी गिरा, बट ट्रेंड अप था, निफ्टी गिरा। भैया दिल्ली के ऊपर से ऐसा लगता है हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आदमी घबराहट में है, बाजार गिरा, बट बाजार रिकवर हुआ, दोबारा नए हाईज लगे, बम गिरते गए कारगिल के ऊपर, बाजार ने नया, निफ्टी ने हाई लगाया। दैट मीन्स करेक्शन जो होती है ना, वो विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल अपना ना डायरेक्शन जो है चेंज कर लेती है। तो ड्यूरिंग कारगिल वॉर वाज हैपनिंग, उसी टाइम पे मार्केट ऊपर होने लग गई। मार्केट पहले ऊपर था, कारगिल वॉर हुआ, मार्केट गिरा, बट कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मतलब कि कोई आदमी भी चेक कर सकता है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान था वो लोअर टॉप लोअर बॉटम में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ। मार्केट गिरा, दोबारा मार्केट ऊपर चला, तो ना इन चीज़ों से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी देखो ना, अभी 2024 चल रहा है, 2023 से सुन रहे हैं मार्केट गिरेगा, हजार पॉइंट मार्केट गिरेगा, 16,000 17,000 से आवाज़ आ रही है, मार्केट 25,000 क्रॉस कर चुका है, 26,000 के आसपास आ गया है। तो ना करेक्शंस को टाइम करने की कोशिश मत करो, बट यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, करेक्शंस को छोड़ो, करेक्शंस देखिए, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर नीचे होके चलता है ना, जो ऊपर नीचे होके चल रहा है वो माइनर ट्रेंड्स हैं। आप करेक्शंस को छोड़ो, यहाँ तो व्यक्ति लगा हुआ है कि उस माइनर ट्रेंड आज कल के हिसाब किताब में जीतने लगा हुआ है। और ये बाजार वो अखाड़ा है, इस अखाड़े में अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो आज कल के हिसाब किताब में ना पैसा दे जाएंगे। देखिए मुकेश अंबानी जी का बड़ा फेमस कोट है कि उनको आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो क्रूड का दाम बता सके कहाँ जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि शॉर्ट टर्म में मूवमेंट कहाँ जाएगा, है ना, शॉर्ट टर्म में मूवमेंट कहाँ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में नोबडी कैन प्रिडिक्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इजीली प्रिडिक्ट होते हैं। बट क्या है, हमको सबको ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है। भाई जो चीज़ पॉसिबल नहीं उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, जो चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसके ऊपर रिसर्च करो। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट हो जाते विद सर्टेनिटी तो ना तो अदानी अंबानी को इंडस्ट्री चला रहा होता, सब व्यक्ति यही काम कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और शॉर्ट टर्म भी ना राकेश जी, ऐसे लग रहा है शायद आज से 10-15-20 साल पहले 6 महीने को 1 साल को लोग शॉर्ट टर्म बोल देते होंगे या 2 साल को शॉर्ट टर्म बोलते होंगे, अब तो एक दिन के अंदर ही कई बार मूवमेंट्स करने लग गए हैं लोग, वो शॉर्ट टर्म भी शॉर्टर शॉर्टेस्ट और ऐसा हो गया, ये वन डे टाइप हो गया। देखियो शॉर्ट टर्म के अंदर भी क्या है, आज की डेट में ना कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत आ गए हैं, जैसे हर वीकली एक्सपायरी होती है, निफ्टी ऊपर नीचे हुआ लोग कहते हैं मैनुपुलेट हो गया, वो ना दो दो मिनट के ग्राफ देख रहे हैं, एक एक दो दो मिनट के ग्राफ देख रहे हैं। जैसे अब हम अपना हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं खराब होती हैं, कई बार आदमी 10 दिन के लिए बीमार होता है, बट आप अगर लंबे समय में देखोगे तो वो 10 दिन को ना जो चीज़ 5 साल पहले हुई होती है आप भूल जाते हो, ठीक है ना, जैसे ही वो कष्ट निकलता है। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही मत करो, बड़े ट्रेंड्स को देखो। और ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी हम रिसेंटली अपना एक टेक्निकल का कोर्स लेके आए हैं, कुरुक्षेत्रा विन द बैटल। बेसिकली क्या है, ये बाजार भी एक रणभूमि है और जिस प्राइस पर हम कोर्स को मतलब कि सिखाना चाह रहे हैं उस दाम पर कोई प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, बिकॉज हम कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, सपना दिखाते हैं, भैया जो हकीकत है उसको आप सीखो और उसमें से आपको लड़के निकलना है। तो बाजार तो एक रणभूमि है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, किसी को चाय अच्छी लगती है, किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है ना, कोई बंद गले की जैकेट पहनता है, कोई स्वेटर पहनता है, सबकी पसंद नापसंद अलग है, ठीक है ना, ऐसी सबका रिस्क प्रोफाइल अलग है, सबका इन्वेस्टमेंट गोल अलग है। तो सबको ना अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और अकॉर्डिंगली आपको निकलना है उसमें से। पर ये जो अप्रोच है रातों रात अमीर बनने वाली, और ये जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे पिछले 4-5 सालों में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और ट्रेनर्स, नंबर ऑफ ट्रेनर्स जो मार्केट में आ गए हैं स्टॉक मार्केट सिखाने वाले, और कई तो ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने 2-3 साल पहले खुद भी कुछ इसके बारे में बात नहीं की थी, बट सडनली दिस यू नो एक मशरूमिंग सी हो रही है राकेश जी, चारों तरफ हर आदमी को ऐसे लगने लगा है स्टॉक मार्केट तो बस यूं है, चुटकियों में हो जाएगी। लाइक व्हाई डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ यू नो बूम हैज सडनली कम? देखिए मैं बताता हूँ, पहली चीज़ तो क्या है, इस तरीके के फॉल्स प्रोमिसेज आ रहे हैं, पहली चीज़ तो एक चीज़ माननी चाहिए, भारत सरकार पर भरोसा होना चाहिए। वो कहती है कि 1 करोड़ से ऊपर टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, यहाँ सोशल मीडिया पर अगर आप जाओगे ना
तो हर व्यक्ति ने 1 करोड़ से ऊपर शॉर्ट टर्म का गेन दे रखा है, हर व्यक्ति ने 1 करोड़ से ऊपर का लॉन्ग टर्म का गेन दे चुका है। जोक सपाट, होता क्या है कि ना हर व्यक्ति जो है ना, हर व्यक्ति जो है ना, हर एक का वीक पॉइंट होता है। आप देखें कितनी लड़कियां होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसती हैं, झारखंड से छोटी जगह से आ रही होती हैं, वो मतलब कि मेहनत करना चाहती हैं बट उनको बड़े शहर में जॉब करनी है। हर एक का वीक पॉइंट होता है, उनको बड़े शहर में जॉब करनी है। तो ये लोग उस उनके ना वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं कि जिसको जॉब करनी है उसको टारगेट करा, उसको यहाँ फंसाया। जो व्यक्ति हिंदुस्तान से बाहर जाना चाह रहा होता है जॉब करने के लिए, वहाँ पर भी वो ट्रैप होता है। फिर आप वो देखो कितनी, वो आया था ना जमतारा, है ना, तो वहाँ पर भी ये लोग वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं कि आपको मैं इतना पैसा बन जाएगा, इतना गेन हो जाएगा। अब आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप सोचो कि मैंने ना अपना फर्नीचर चेंज करना है, ये टेबल चेंज करना है, आपने इसको OLX में डाल दिया, एकदम से आपको मैसेज आता है कि यार ये टेबल मैं ना 25,000 का खरीद रहा हूँ, है ना, तो आपको मैंने पैसे ट्रांसफ़र करें, एक बार आप 1 रुपया 2 रुपये UPI से ट्रांसफ़र करो। तो क्या है, आप देख रहे हो यार मेरे को तो चेंज करना है, आपके लिए वो अमाउंट भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको डिस्पोज ऑफ करना है। आदमी कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। तो जो व्यक्ति शेयर बाजार से पैसा कमाना चाह रहा है, देखिए मिडिल क्लास है, हैंड टू माउथ रहता है, उसको लगता है कि यार ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। जो आदमी इस तरीके से गाना गा रहा है, कॉन्फिडेंटली फॉल्स सपने दे रहा है, तो वीक पॉइंट पे अटैक होता है। तो उस चक्कर में ना ये लोग वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं। तो एक चीज़ तो सबको समझनी चाहिए कि देर आर नो फ्री लंचेस, ओवरनाइट पैसा कहीं से भी नहीं आता है। Absolutely. और एक चीज़ और समझनी चाहिए, सिर्फ एक माँ बाप वो होते हैं रिलेशन में जो अपने बच्चों के लिए आउट ऑफ द वे जाते हैं और कभी जताते नहीं है, भाई बहन भी जता देते हैं। तो ना ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। बट शेयर बाजार से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वन कैन चेंज द लाइफ। जैसे मेरी, आप मेरे को देखें, मैंने एक बी फार्मा करा, माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टरी तो हुई नहीं, बी फार्मा में चले गए। बी फार्मा के बाद समझ में आया भैया स्कोप नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने MBA किया। मैंने MBA किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से करा, तो जिसको भी बोलता हूँ कहता आई एम यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भैया एक चीज़, मैं उनको तो कुछ नहीं बोलता हूँ बट एक चीज़ बोलूँगा, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो DU बोलता है वो रामलाल श्यामलाल से पढ़ा हुआ है, अगर SRCC से होगा यार कहीं और से होगा तो अपने कॉलेज का नाम लेगा। तो मैं भी लखनऊ बोल रहा हूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है यार, IIM का होता तो आदमी प्राउडली बोलता है। बट शेयर बाजार वो एक जगह है जहाँ पर मतलब कि मैंने तो अपना जीवन बदला ही है, और यहाँ पर अगर सोच समझ कर पढ़ लिख कर स्ट्रेटेजी के साथ निवेश करा जाए तो आप अपनी क्लास ना बदल सकते हो, बट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति ना आपको पैसा कमा के नहीं देगा, खुद तो रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। लोग क्या है यहाँ पर फॉर्मूला ढूंढते हैं कि कोई मैजिकल फार्मूला मिल जाए। अरे यार पैसा अगर फार्मूला पे आ रहा होता, देखो एक सिंपल सी चीज़ है दीपक जी, आदमी कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँ, पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊँ। देखो जो मिडिल क्लास है ना भाई, जैसे हम छोटे होते हैं, बच्चा होता है ना, वो होली के गुब्बारों से, दिवाली के पटाखों से एक्साइटेड होता है। जैसे जैसे उम्र बदलती है एक्साइटमेंट के ना महीने बदलते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद है ना, मतलब कि जो स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसको भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, तो उसकी तो बॉडी एक ही चीज़ से मूव करती है, दैट इज़ मनी। एक ही तेल है, एक ही फ्यूल है। और इसी तरीके से क्या है, जब जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, एवरेज सैलरी आप देखो तो 70,000 के आसपास की आप पाते हो, एवरेज सैलरी आप देखो, उसमें भी गुजारा नहीं होता है। अगर उसका 40-50% आदमी शेयर बाजार से निकालना शुरू कर दे तो जीवन बदल जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है, ये अमाउंट आपकी सैलरी को भी एक्सीड कर जाएगा, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए कितना देना है आपको, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, इतना तो यार आप निकाल सकते हो, मेरा मानना है। हाँ निकाल, इतना तो निकालना पड़ेगा आपको, रिसर्च तो करोगे ना, पढ़ोगे, अप टू डेट रहोगे आप, तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो अब तक की अगर हमारी बातचीत को मैं समराइज करूं सर, तो एक बात आपने बड़ी कमाल की कही कि मार्केट की करेक्शंस को टाइम करने का और प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मार्केट की करेक्शंस कभी भी रातों रात अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, राइट। दूसरी बात आपने कही कि अगर रातों रात कुछ हो जाता और सब कुछ इतना ही आसानी से हो जाता तो फिर शायद अडानीज और अंबानीज को बिजनेसेस छोड़ के यही काम कर देना चाहिए था, राइट। और आपने बार बार रिसर्च पे काफ़ी जोर डाला है। एक बात आपने और भी कही कि
कोई सीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, सालों की पढ़ाई के बाद दे गेट ए ग्रिप ऑफ दैट फील्ड और वो अपने आप को एक सीए बोल सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर इंजीनियर लगा पाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को भी स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट या फिर वहाँ से वेल्थ बनानी है तो उसमें भी कुछ साल आपको सीखने में देने होंगे। तो एक नया इंसान आपकी और मैं आपकी सोच से सहमत हूँ कि मेरे को मार्केटिंग आती है, सेल्स आती है, मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैंने करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है, 2 दशकों से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं भी साथ साथ में अब इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे पहले 2-3-4 स्टेप क्या हो सकते हैं, या जब आप रिसर्च बोलते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, हम उसके कौन कौन से पहलू हैं, जैसे 3-5 आस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च विच आर वेरी क्रिटिकल, जो आज आम मेरे जैसा इंसान जिसने स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं किया वो भी समझ पाए। देखिए बाजार में देखो एक ही चीज़ है, रिसर्च से मतलब बेसिकली क्या है, आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना, कंपनी पैसा लगा मतलब है ना, पैसा लगा रहे हो। अब भैया उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है कि भैया कंपनी की टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, है ना, डिविडेंड क्या दे रही है। बेसिकली ना टॉप लाइन बॉटम लाइन तो आप देखोगे ना, कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है। अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, अगर मुनाफा है, मुनाफा बढ़ेगा, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तभी तो वो कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर का भाव भी ऊपर जाएगा। तो बेसिकली क्या है भैया, फंडामेंटल तो आपको देखने पड़ेंगे। अब क्या है कि ये पहली चीज़ तो क्या है, इस बाज़ार के अंदर कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है। जैसे कोविड हुआ था, सबको लगा दुनिया ख़त्म, मार्केट ने बॉटम लगाया, रियल एस्टेट ने बॉटम लगाया, रियल एस्टेट का बॉटम लगा कि जब लगा कि दुनिया ख़त्म है, बॉटम लगा, फिर कोविड की वेव 2 आई, ठीक है ना, तब लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, बाज़ार नहीं गिर रहा है, क्योंकि मार्केट नेवर फॉल्स फॉर द सेम रीज़न अगेन एंड अगेन, मार्केट नेवर फॉल्स फॉर द सेम रीज़न अगेन एंड अगेन। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे नंबर आएंगे तो मार्केट शेयर ऊपर जाएगा, खराब नंबर आएंगे तो शेयर नीचे जाएगा। इतना ही अगर आसान हो जाए तो फिर वही चीज़ अदानी अंबानी इंडस्ट्री क्यों चलाएंगे, यहाँ आपको रिसर्च करनी है। तो आपको देखो पहली चीज़ तो क्या है, आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हो वो फंडामेंटली साउंड होनी चाहिए, मेरा नियम है। अगर फंडामेंटल खराब है, कचरा है, तो उससे मैं दूर रहूँगा। उसके बाद क्या होता है कि लोग टॉप डाउन बॉटम डाउन अप्रोच की बात करते हैं फंडामेंटली। वो क्या होता है सर, इसे मतलब कि आप ओवरऑल देख रहे हो कि यार इकोनॉमी कैसा कर रही है, कंपनी कैसा कर रही है, दूसरे में आप नीचे से चल रहे हो, एक में ऊपर से चल रहे हो। मेरा क्या है, मैं टेक्निकली देखता हूँ, मेरा स्ट्रांग है टेक्निकल चार्ट, मैं रिवर्सल्स पकड़ता हूँ, ट्रेंड को पकड़ता हूँ कि क्या चीज़ चलेगी। मतलब कि अगर आप अक्रॉस सोशल मीडिया उठा के देखो तो एक साल से मैं बोल रहा हूँ कि चांदी $50 क्रॉस करेगी $20-21 से, ठीक है ना। अब वो क्या है, $20-21 से $25 गया, $23 गया, फिर $30 गया, फिर 24-25 आया, आज जब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ $32 हिट करके $31 के अराउंड चल रहा है। और मेरा 80% जो पैसा लगा हुआ है वो चांदी के ETF में लगा हुआ है। तो क्या है कि टेक्निकली मैं चीज़ को टाइम करता हूँ, बट मैं फंडामेंटल ज़रूर देखता हूँ। तो भाई टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ों को कंबाइन करके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो जी पैसा बनता है लॉन्ग टर्म के अंदर, आप अच्छी चीज़ को होल्ड करो 4-5 साल 7 साल। तो मुझे लगता है कि मुझको ये चीज़ बड़ा लेट समझ में आई है, तो अब आई हैव रीच्ड अ एज कि मुझे ना 10 साल के लिए निवेश नहीं करना है। जैसे अभी ये NPS वगैरह आए थे, ये जो ना इसमें पैसा डालो फिर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लॉक इन है, तो मैंने इसमें, मेरे एक दोस्त आया डॉक्टर है, उसने मेरे को मेरी वाइफ का खुलवा दिया, मैंने वो ₹1,000 डालने के बाद मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे नहीं पता 15 साल बाद मेरा बेटा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर है, उसको इस पैसे की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैं तो ना बेसिकली आज में जीता हूँ, मेरा देखो जी पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, जैसे मैंने बोला हर एक का इन्वेस्टमेंट गोल, मुझे तो पैसा 1.5-2 साल में चाहिए। मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ जो अपना निवेश कर रहा हूँ, 1.5-2 साल का नज़रिया बना रहा हूँ, कई बार 6-8 महीने का भी नज़रिया बना रहा हूँ। दूसरा मेरा पैशन है रिसर्च, मैं चीज़ निकाली अपनी, हमारी एडवाइजरी सर्विसेज चलती हैं, हमारा अपना अंडर बैनर है, हमारी वेबसाइट है IIMRakeshBansal.com, हम वहाँ फ्यूचर ऑप्शन सब देते हैं, इन्वेस्टमेंट की राय भी देते हैं। तो रिसर्च करके चीज़ निकालता हूँ, और जो हमारा क्लाइंट है उसको भी 3 साल के लिए नहीं लेना है। 3 साल के लिए तो आपको भी मालूम है, लीवर ले लो, ITC ले लो, HDFC बैंक ले लो, बट एवरीबडी वॉन्ट 1.5-1.5 साल में, 6 महीने 1.5-1.5 साल में आउट परफॉर्म करना है। तो मैं उस तरीके से अपने टूल्स बना रखे हैं। तो आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से टूल बनाने हैं। आज की डेट में मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेता हूँ, भी जब रिस्क लेना था तब रिस्क लिया है। आज की डेट में मैं कचरे से दूर रहता हूँ, बैड क्वालिटी स्टॉक से दूर रहता हूँ, गुड क्वालिटी के अंदर रहता हूँ।
तो टाइम के साथ आप मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप काम करें। इससे जुड़ी हुई दो तीन बातें और हैं जिस पे आप थोड़ी अपनी रोशनी डालिएगा। सम पीपल दे फील कि जो सबको दिखता है उसमें तो कोई खास गेन नहीं होगा। अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन अच्छी है, उसका बॉटम लाइन अच्छा है, फंडामेंटल सही है, फिर ये तो सबको ही दिखता है जी, इसमें तो फिर एवरेज सी रिटर्न आएगी। मेन गेम में पैसा वही बनाता है जो प्रिडिक्टेबिलिटी में पक्का हो और जो ये प्रिडिक्ट कर ले कि ये कंपनी की आज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन दो तीन पाँच साल के बाद अच्छी हो जाएगी और इसमें फिर डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये सोच कहाँ तक सही है और अगर इस तरह का डिसीजन लेना हो मुझे तो फिर आप क्या एडवाइस करें? देखो जी, इस तरीके के ना चीज़ें अच्छी हैं डबल ट्रिपल के लिए, लेकिन ये होता है माइक्रो कैप छोटी कंपनीज में। इसमें अगर आपको काम करना है तो आपको ना कंपनी को विजिट भी करना पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति हम और आप, मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हम कोई रमेश धवानी नहीं है, राकेश झुंझुनवाला नहीं है, आशीष कचोलिया नहीं है कि जिनकी क्वेरीज को कंपनी छोटी कंपनी आंसर कर देगी, ठीक है ना। तो कंपनी को विजिट करो। अब क्या है कि आप जैसे बोल रहे हो प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी 1500-1600 रुपए के अराउंड HDFC बैंक का मैंने टेक्निकली टर्न अराउंड निकाला, ये चलेगा। मैंने इस पे सोशल मीडिया पे कंटेंट भी डाला, अपने इंस्टाग्राम पे मैंने रील बना के डाली, लोग आए जी क्वांट म्यूचुअल फंड बेच रहा है। भाई मुझे कन्विक्शन है ना, अगर मैंने को क्वांट को ही देखना है तो फिर मैं उसको देख के काम कर लूँगा, मैंने अपनी रिसर्च करी है। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है। अब ये छोटी छोटी कंपनियों में अगर आपको डबल ट्रिपल करना है तो आपको कंपनी से विजिट तो करना पड़ेगा ना, प्लांट को विजिट करना पड़ेगा। आप घर बैठे बैठे आप सोचो कि बैलेंस शीट निकाल के आप चीज़ को निकाल लोगे, आपको ग्राउंड में निकलना पड़ेगा। और लोग निकलते हैं और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, हम भी कर रहे हैं, बट हमने अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं, हमारी टीम है, हम भी छोटी छोटी कंपनियों में घुसे हैं, बट छोटी कंपनियों में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, जब ITC कोविड के बाद 220 रुपए के अराउंड था, सबसे ज़्यादा चुटकुले मीम्स ITC पे बनते थे। मैंने उस टाइम पर 1,00,000 शेयर इसके उठाए थे और कॉन्ट्रैक्ट नोट अपना मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर करा था। NHPC 34-35 के अराउंड मैंने 3,00,000 शेयर लिए थे, इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर करा था, जो वीडियो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है ना, राकेश बंसल नाम से मेरा चैनल है, वो पड़ा हुआ है। उस समय कोई लेता नहीं था। तो पहली चीज तो आप में करेज होनी चाहिए कि आप यू शुड गो अगेंस्ट द क्राउड। और ये करेज ना आपको, जैसे वो सनी देओल ने बोला था ना कि ये जो जिगर है ये बाजार में बिकता नहीं है, तो ना यू नीड टू हैव अ करेज टू गो अगेंस्ट द क्राउड। जैसे मेरा बेटा जब स्कूल में था तो क्या होता है दिल्ली के अंदर ना, छोटे बच्चों के लिए ना वैन घर पर आती है, फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो आइडियली दे शुड गो इन अ स्कूल बस, ठीक है ना। बट क्या है, पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको ना स्कूल वैन में ही भेजते रहते हैं। तो जिस स्कूल में मेरा बच्चा उस समय पढ़ता था, तो स्कूल के डायरेक्टर थे, वो बार बार बोलते थे, जैसे मैं उनके साथ, वो रोटरी के भी प्रेसिडेंट थे, तो मैं रोटरी में उस समय पे उस एरिया में जनरल सेक्रेटरी था, वो कहते थे यार मेरे को हंसी आती है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ना वी वर द फर्स्ट वन जिसने ना बटन दबाया, हमने, मैंने मेरी वाइफ ने डिसाइड करा कि आर सन विल गो इनटू स्कूल बस। तो ना उस टाइम पे हमारे पास ड्राइवर था, ना मेरी वाइफ को ड्राइविंग आती थी, तो मैंने कहा सुबह तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, दोपहर को आप पिक करना, अब 6 महीने गर्मी रहती है, दिक्कत होगी। तो आप मानेंगे कि हम वी वर द फर्स्ट वन टू प्रेस द बटन। 2 दिन बाद बाकी पेरेंट्स ने भी प्रेस करा बटन, और तीसरे दिन क्या हुआ, बाई चांस जो अरविंदो मार्ग है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के वहाँ रेड लाइट थी, जहाँ से स्कूल बस यू टर्न करके आती थी, वो रेड लाइट हो गई बंद, उससे पहले बन गया यू टर्न, बस का यू टर्न बंद हुआ, तो बस ने रूट चेंज करा। तो हमें तो ना एकदम घर के डिस्टेंस पर, घर के बाहर निकलते ही स्कूल बस मिल गई। बट आपको करेज होनी चाहिए, आपको कंफर्ट से बाहर होना चाहिए, प्लस क्या आपको भरोसा होना चाहिए जो मैं निकाल रहा हूँ वो ठीक है। आप अगर उस समय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की वेट करोगे, देखो जो दिखता है ना वो बिकता है, जो बढ़ रही होगी ना चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसी को बोलेगा। जो चीज रुकी हुई है, जिसकी फैंसी नहीं है ना, उस पर नहीं बोलेगा। तो रिसर्च पे तो आपको चीज तब निकालनी है जब उसको कोई नहीं ले रहा है। तो यू नीड टू हैव अ करेज टू गो अगेंस्ट द क्राउड। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस ओवरनाइट तो आएगा नहीं ना। हर आदमी क्या रिसर्च कर सकता है? नहीं देखो जी, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति रिसर्च क्यों नहीं कर सकता है? देखो जी, पैसा कमाना है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, है ना। अब ये चीज तो वो है नहीं कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था, जैसे मेरा बेटा, माई सन वॉज वेरी फाउंड ऑफ क्रिकेट, तो कोचिंग में जाता था, तो मेरे एक भैया हैं, ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, वो कहते थे यार क्या कर रहा है, कभी देखा है बनियों के बच्चों को क्रिकेटर बनते हुए?
तो ऐसा थोड़ी ना है कि यार जाट का बच्चा फौज में जाएगा, ये तो पैसे का खेल है, यहाँ तो हर व्यक्ति आ रहा है। यहाँ तो अगर आप देखो डिफेंस वाले भी कितने संयम से ना निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति रिसर्च नहीं कर सकता। अगर मैं तो ये बोलता हूँ, अगर जैसे एक आपने भी बचपन में ऐड सुना होगा ना कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, ठीक है ना, है ना। तो फिर मेरा मानना है जो व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, बीवी बच्चे से प्यार करता है, उनको हर वो सुख सुविधाएं देना चाहता है, तो कैसे देगा जी। या तो भाई आप क्या कहते हैं, ब्लेस्ड हो, आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऐसी मिली हो, ठीक है। या सबसे आसान तरीका है जो मैं कई यंगस्टर्स को ना जोक में बोलता हूँ कि यार आप ना फादर इन लॉ ऐसा ढूंढ लो जिसके पास सब कुछ है, आपको विरासत में मिल जाए। हाँ। या फिर भैया शेयर बाजार है जहाँ से आप ना सब कुछ कर सकते हो। और ये चीज ना मैंने करी है, आप ना मतलब कि छोटी छोटी चीजों में देखो, एक मिडिल क्लास को ना छोटी छोटी चीजें होती हैं। पिक्चर हॉल में जा रहा है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, चाय पीते हुए सोचना ना पड़े, है ना। रेस्टोरेंट जा रहा है, अपनी इच्छा के खाना सब्जी खाते हो ना, राइट साइड में देखना ना पड़े, है ना। बच्चा है, बच्चे की एजुकेशन है ना। भाई मिडिल क्लास का क्या है, मंडे टू फ्राइडे तो वैसे ही लगा रहता है, हफ्ते में एक दिन बाहर खाना खाया है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। शेयर बाजार में वो काबिलियत है, आप रिसर्च शुरू करोगे और 3-4 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा आपका जीवन कब बदल गया। ओके चलो सर, इस पे मैं मान गया कि हर आदमी कर सकता है, हर इंसान जो है ये कर तो सकता है। अब मेरी अप्रोच क्या हो, जैसे मैं ट्रेनिंग्स में हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, कॉन्टेंट बनाता हूँ, इसके अलावा एक और बिजनेस है वो भी देखता हूँ, क्या मुझे डिविडेंड के लिए वेट करना चाहिए और डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि मैंने एक अच्छे शेयर्स लिए वो मुझे डिविडेंड दिए जा रहे हैं और पड़े हैं, या फिर मुझे ट्रेडिंग जो मैं अगले महीने बाद 2 महीने 6 महीने जो भी आपने बोला साल 2 साल का होराइजन लेके ट्रेडिंग करूं, मेरी अप्रोच क्या रहे जिससे मेरा प्राइमरी काम भी चलता रहे और मैं साथ साथ अपना एक्सपोजर भी और स्टॉक मार्केट का फायदा भी उठा सकूं, तो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर। ये ना डिपेंड करता है टाइम टू टाइम का, जैसे जब कोविड हुआ था तो मेरा पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, कोटेक बैंक, एशियन पेंट्स और कई दिग्गज स्टॉक्स थे और कई डिविडेंड वाली चीजें भी थी मेरे पास, अच्छी अच्छी चीजें थी, ठीक है ना। जब कोविड आया सब कुछ गिरा, उस समय ना मेरे को चिंता थी परिवार की, परिवार बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, मैंने कहा यार दिक्कत हो गई, जीवन ख़त्म, बाजार ख़त्म। बट मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट करा, हमने निफ्टी मतलब कि ETF को नीचे में लिया, कहती कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, यू ओनली से बाय व्हेन द फियर इज देयर ऑन द स्ट्रीट, बाय व्हेन देयर इज द ब्लड ऑन द स्ट्रीट, चाहे वो ब्लड आपका कौन हो, कहती इतना डरा हुआ तो मैंने कभी आपको देखा ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से ना मैं ब्लू चिप से हट गया, मैंने कहा यार जब तबाही होती है तो सब कुछ गिरता है, ठीक है ना, तबाही होती तो सब कुछ गिरता है। अब तब मेरी नज़रिया कुछ और था, आज मेरा नज़रिया कुछ और है। अच्छा, मेरा नज़रिया तब लॉन्ग टर्म का था, आज मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है। जब कोविड आया तो एक स्टॉक था सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरी खरीद के नीचे के दाम का था, बाकी किसी और स्टॉक में प्राइस देख के मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी खरीद से काफ़ी ऊपर के थे, 5-5 साल पुरानी चीज़ें ली हुई थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा था। तो ये आपको देखना है, आपको डिविडेंड वाली चीज़ें चाहिए, मुझे डिविडेंड वाली चीज़ें नहीं चाहिए। देखो मेरे को किक आती है, जो मेरा कोर टैलेंट है 18 से 25 से 40% वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, जो साल भर में 6, 8, 12, 15 महीने में मुझे रिटर्न दे जाए, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा दे जाएंगी, कुछ कम देंगी, एक आधी फेल भी होगी, है ना। Nobody turns right 10 out of 10 times in stock market. तो उन चीज़ों को देखना है आपको, तो आपको अपना गेम ना खुद बनाना है कि यार आपको डिविडेंड चाहिए। सपोज आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, इनहेरिटेड पैसे पड़े हुए हैं, तो यू विल लाइक कि यार मैं अच्छे सेफ डिविडेंड वाले स्टॉक्स में पार्क कर दूं, ठीक है ना। अब मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे तो ना किक चाहिए, मेरे को तो हॉलीडे चाहिए, तो मेरे को शेयर बाजार से चीज़ निकालनी है। मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है तो उसकी फीस भी मुझे शेयर बाजार से नहीं, मुझे किक उसमें आता है। मुझे किक आता है कि मेरा जो क्लाइंट है जो जुड़ा हुआ है, एक चीज़ निकाल के दूँ और वो चीज़ चले, तो उसमें किक आता है। और जैसे आप रिसर्च करते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम भी रिसर्च करते हैं और हमारे पास भी, अगर आप इसे टिप बोलना चाहें तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ एनालिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं और एक मार्केट में टिप देते हैं, उस टिप के बेस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये किसके सुने किसकी ना सुने। देखो टिप पे तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, रिसर्च होती है, रिसर्च
तो जो व्यक्ति आपको शेयर, एक बात छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ सर, दिखने में ऐसे लगता है कि हर आदमी रिसर्च कर रहा है, नहीं टिप ना आप आइडेंटिफाई, टिप जो व्यक्ति टिप करके बोल रहा है ना, टिप इज अ फैंसी वर्ड, ओके है ना, इज इट्स अ लुक्रेटिव वर्ड, वो ना आपको अट्रैक्ट करता है कुछ, मतलब कि लुक्रेटिव रिटर्न्स के लिए. तो टिप जो आदमी बोल रहा है कि मैं टिप दे रहा हूँ, तो ना वो आदमी ही गलत है मेरा मानना है. और ये बाजार में क्या है कि भैया जो आदमी दे रहा है रिसर्च दे रहा है, रिसर्च दे रहा है तो अपनी रिसर्च की रिपोर्ट दे, रिसर्च का रैशनल दे कि क्या चीज़ है. अब जैसे क्या है, हमारे पास मेरे पास भी लोग आते हैं कि हमें ना आप सिखा दो है ना. अब पहली चीज़ तो क्या है कि सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ है मैंने, जैसे हमारा कोर्स है सिंपल सी चीज़ है, उसमें सब कुछ दिल से बोल दिया मैंने. अब वन ऑन वन भी कुछ अलग से तो बोलूँगा नहीं मैं, मेरे पास समय नहीं है, है ना. अब हर चीज़ की ना कीमत होती है. अब मैं उस चीज़ की किसी को बोलूँ कि 10 लाख रुपए दे दे तो वो ना नाजायज सी चीज़ हो जाएगी. भाई चीज़ सिंपल चीज़ है. मार्केट के अंदर मैं एक चीज़ बोलूँगा, सिंपल टूल्स काम करते हैं, सिंपल चीज़ें काम करती हैं, एग्जॉटिक टूल्स काम नहीं करते हैं. एग्जॉटिक टूल से 2008 जैसा लेमन जैसा क्राइसिस आता है ना. अभी येन कैरी ट्रेड हुआ, ये सब ना लुक्रेटिव चीज़ें हैं कि हम यार ऐसा कर देंगे, इसको वैसा कर देंगे. आपको आप मैंने लोग देखे हैं जो क्या करते हैं, पहले गोल्ड के लिए लोन, गोल्ड लिया, फिर क्या कहते हैं लोन अगेंस्ट गोल्ड लिया, ठीक है ना. लोन अगेंस्ट गोल्ड में ब्याज होता है कम, है ना. फिर गोल्ड ले लिया आपने, फिर उस गोल्ड को प्लेज कर दिया, फिर उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपर्टी खरीद ली. तो लोग ना इतने इतने तिगड़म लगा रहे होते हैं, मतलब कि ना ये सब एग्जॉटिक टूल्स हैं जो आपको बैंक वाले और मतलब कि ना चीज़ें बेच रहे होते हैं. बाजार में काम करते हैं सिंपल टूल्स. एक आदमी आएगा ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के देगा आपको, यार अरे काहे को इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, जो आपका पैसा है उसे सोच समझ के पढ़ लिख के निवेश करो, ग्रेजुअली ग्रो करेगा आपको. और अगर आप धीरे धीरे जैसे टेक्निकल में निपुण हो जाते हो तो टाइम करना सीख जाते हो, और 10 में से 7 बार अगर आप ठीक निकलते हो तो आप अपने पैसे को जल्दी मल्टीप्लाई कर पाओगे. अच्छा एक चीज़ और बताइए, म्यूचुअल फंड्स पे आपकी क्या टेक है सर, सिप और म्यूचुअल फंड. हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप अपना नौकरी करते रहो, आप अपना काम करते रहो जो कर रहे हो, साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली मत जाओ, स्टॉक्स खरीदोगे रिस्क बहुत हो जाएगा, तो सिप लगा लो अपनी और अपने काम पे फोकस करो, सिप के थ्रू आप 12-15% आराम से. बहुत बहुत अच्छी चीज़ है सिप, तो बहुत बढ़िया चीज़ है. इनफैक्ट देखिए, जब मैंने काम शुरू करा था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ देता हूँ. मेरे फादर ने मुझको जीवन श्री नाम की LIC की पॉलिसी आई थी, 25,000 से कुछ ऊपर, 26,000 से नीचे प्रीमियम जाता था, 2 पॉलिसी मुझे दिलाई, 52,000 रुपये मैंने प्रीमियम उसका भरा है. तो आप मानो साल का, और 7-8 साल ना मैंने, मेरे को हाथ दिक्कत होती थी, मतलब कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं शेयर बाज़ार में आया था कि पैसा निकालने में दिक्कत होती थी. अब मैं पैसा पूरा दे चुका हूँ, जब भी मुझे वो पैसा मिलेगा अगले 3-4 साल में, उस पैसे की ना मुझे किक नहीं है उस पैसे. और जबकि आज तक की बेस्ट पॉलिसी है जीवनश्री, ना उसके बाद कोई उस टक्कर की कोई पॉलिसी नहीं आई है जीवनश्री जैसी, लेकिन मुझे किक नहीं मिलेगा. सिर्फ की वो ताकत है हाँ. कि आप 20 साल 30 साल के लिए सिप करोगे ना, जब सिप से पैसा निकालोगे तो वो आपको किक देगा, है ना. तो जो बंदे अच्छी जॉब पर हैं, जिनके पास वो सरप्लस है, सिप की ताकत मैं आपको बताऊं, मैं ना मतलब कि मैं तो सिप तब से कर रहा हूं जब लोगों को सिप मालूम नहीं था. इनफैक्ट अच्छा. मैंने रेनवैक्सी जैसे स्टॉक में सिप करा था, सन फार्मा में सिप करा था, रेनवैक्सी में सिप करा, भाई मैंने कहा ब्लू चिप कंपनी है, फार्मा ग्रेजुएट हूं, भाई मोहन सिंह की फैमिली की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, सिप लगा दिया. बट मेरी ना एक चीज़ है, मैं ना काफ़ी ज़िद्दी हूँ और अखड़ बुद्धि का हूँ, भाई एक बार चीज़ कर ली तो मैं छोड़ूंगा नहीं. रेनवैक्सी मेरे सिप का एकमात्र स्टॉक था, मैं सिप कर रहा हूँ, गिरता जा रहा है. बट सिप की ताकत क्या है, पावर क्या है सिप की, नीचे में मेरी एवरेजिंग हो रही है तो मेरी कॉस्टिंग ठीक हो रही है. सडनली क्या हुआ, सिप सन रेनवैक्सी को ख़रीदा सन फार्मा ने, एक अच्छा उछाल आया. भैया आप, हूँ तो ह्यूमन बींग ही ना, एक जो चीज़ मुझे पेन दे रही है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है. आप तो इतनी मोटिवेशनल क्लासेस लेते हो, साइकोलॉजी पे बात करते हो, तो भैया जब उछाल आया ना, इतना पेन देखा था मैंने, मैंने कहा इसको धक्का दे दो यार. और ठीक ही हुआ जी, बाद में तो वो टेक ओवर हो गई, चलो जो भी था. अगर मैं लॉन्ग टर्म भी रखा होता तो भी दिक्कत नहीं होती, सिर्फ की वो पावर है. फिर आप देखो 1980 में सेंसेक्स 100 का था, आज देखो क्या भाव है सेंसेक्स का. और ये जर्नी ना आसान नहीं हुई है. आप देखो 1984 में इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ,
उसके बाद राजीव गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ, बाबरी मस्जिद हुआ, एशियन टाइगर क्राइसिस हुआ जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, 97-98 में हुआ था, 2004 में लेमन क्राइसिस हुआ, लेमन क्राइसिस नहीं 2004 में लंदन मेटल एक्सचेंज का मेल्टडाउन हुआ था, और पहली बार निफ्टी फ्यूचर्स 100 पॉइंट के डिस्काउंट्स में आया था। मेरे को इसलिए पता है कि निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करा हुआ था और अच्छा खासा ब्रोकर है, नाम आता है, उसका टर्मिनल बंद हो गया था, ठीक है ना। 2007-08 में वो आया, लेमन क्राइसिस आया, फिर नोटबंदी आई, ठीक है ना, फिर ऊपर नीचे चीज़ें होती रही, सबका बाप कोविड आया, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन आया, सब कुछ आप देख रहे हो। तो जर्नी आसान नहीं है, बट मेरे को ये मालूम है कि आज भी अगर आप 15-16 साल का नज़रिया बना के निफ्टी का ETF लेते हो तो जीवन आपका बदल जाएगा भाई, जीवन आपका बदल जाएगा। रीज़न बीइंग क्या है, नाउ इंडिया इज़ अ ग्रोथ इंजन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो पिछले 40 सालों में हुआ है अगले 15 सालों में उससे ज़्यादा होगा, बट वोलेटिलिटी भी रहेगी, आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, अक्खड़ होना पड़ेगा, तो निफ्टी का ETF तो अच्छा विकल्प है। बट हाँ सिप, हाँ निफ्टी का ETF करो ना, या तो आप म्यूचुअल फंड में करो, वो भी अच्छी रिटर्न देता है, सिप करो। अच्छा, बट क्या है कि थोड़ा सा किक तो ले लो यार। इनमें फर्क क्या है सर? इसमें फर्क क्या है कि निफ्टी का ETF जो है ना वो लिस्टेड है, उसमें आपको खुद करना है। ऐसे आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हो, वो अपने आपका पैसा कट रहा है, कर रहा है, यहाँ पे ना आपको निफ्टी का ETF खुद लेना पड़ेगा, या तो आप म्यूचुअल फंड को दे दो। अगर आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा थ्रिल चाहिए, तो निफ्टी का ETF खुद खरीदो ना आप। मैं तो हर एक को बोलता हूँ कि भैया, मैंने खुद भी करा है, हर मंगलवार को 11 बजे का टाइम बना लो, आंखें बंद करके लगाओ, जिस दिन मंगलवार को मार्केट बंद है, हाँ, आप बुधवार को ले लो यार, हाँ, एक रूल बना लो, उस रूल को फॉलो करो, साल के पैसे को महीने में, महीने के पैसे को सप्ताह में डिवाइड कर दो, पूरी वोलेटिलिटी आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये बात ठीक है आपकी, साल में 52 बार। फिर क्या है, देखो जी, हम तो बनी है, हर चीज में कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है ना, हम ये निकालते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं सिप कर रहा हूँ तो मेरे पैसे पे तो वो टाई कोट पहन रहा है ना, उसकी सैलरी पे जा रही है, right, है ना, वो एक्टिव फंड है, ETF पैसिव फंड है, उसके खर्चे कम है, right, है ना। बट अधिकतर लोग ना निफ्टी का ETF कर नहीं पाएंगे, दिमाग लगाएंगे अपना। अगर आप दिमाग लगाने वाले हो तो म्यूचुअल फंड में सिफ्ट कर लो, और दिमाग लगाने वाले नहीं हो, अक्खड़ हो, है ना, जाट बुद्धि के हो, मतलब कि जिद्दी रोगे कि यार मैं ये करूँगा ही करूँगा, तो आप क्या कहते हैं, निफ्टी का ETF करो। निफ्टी का ETF मेरा मानना है कि आज की डेट में जैसे पहले होता था ना, PPF में पैसा लगाओ, पहली चीज़ आपका निफ्टी के ETF में सिर्फ जाना चाहिए, और इसकी शुरुआत आप अपने ऑफिस में करवाओ, मेरा मानना है जी, इतना बहुत जरूरी है जी। निफ्टी का ETF, ETF की फुल फॉर्म सर? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जी। निफ्टी तो देखो जी, देखो हर कंट्री का, उसकी कंट्री की इकोनॉमी का जो सबसे बेस्ट सूचकांक है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो है उस कंट्री का इंडेक्स, तो निफ्टी का ETF लो ना जी। आप ये मानोगे, अभी हमने तो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है हैंगसेंग का ETF, उसको भी 13 रुपये पर उसका एक मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का ETF है, उसको रिकमेंड करा है, 1550 से ऊपर हो गया है। तो टेक्निकल की भी पावर है, आप नैसडेक का भी ETF है, इसको टाइम करो ना आप। बट भारत के ETF, निफ्टी के ETF को टाइम मत करो, उसको तो जो व्यक्ति यंग है, 25 साल 30 साल का है, जो 15 साल दे सकता है, यार लगा के देखो ना। आपको चीज़ मालूम है, अगर आप 60,000 रुपये, मैंने कैलकुलेट करा था, 60,000 रुपये प्रति माह अगर आप डाल रहे हो निफ्टी के ETF में 35 साल के लिए, है ना, ओके, आपको 18% की कंपाउंडिंग जो पहले मिली है, जो भी कंपाउंडिंग पहले मिली है, तो आपका कॉर्पस 30-35 साल बाद 100 करोड़ का हो जाता है। और अगर आपको ये ऊपर मिल जाती है तो 55,000 से काम हो जाता है, 22% की कंपाउंडिंग मिल जाए, सपना देखने को में क्या बुराई है, तो 26,000 से काम हो जाता है। तो अपनी फुल कैपेसिटी में आपको निफ्टी के ETF में सिप करना चाहिए। सर अगर जैसे महीने का मैंने 30,000 रुपये लगाए और 10-15 साल का होराइजन होगा, तो आप ये अमाउंट कितना देखते हैं? देखो जी, अच्छा खासा बहुत अच्छा पीरियड होता है जी। और आप एक चीज़ देखो जी, पहली चीज़ तो आप वर्स्ट केस कैलकुलेट करो। अच्छा, वर्स्ट केस क्या है, अगर आप कितना भी बुरा हो जाए तो दूसरा काम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ नहीं लगाते तो स्टेट बैंक की FD में लगाते। वर्स्ट केस आप मानो, आपको 6-8% की कंपाउंडिंग तो बेयर मिनिमम मिलनी चाहिए, और गुड केस का तो किसी को मालूम ही नहीं है जी। आप देखो जी, आप उस पैसे का आप क्या करते हैं, आप बैंक में FD तो करते हैं ना, FD नहीं करते तो कबड्डी खेलते, सट्टा मारते, वहां गंवा देते, तो FD को आप आउट परफॉर्म करोगे ही करोगे आप। और मेरा ये मानना है कि आपको किक मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा एक चीज और सर, अभी तक हमने जो बातें करी ना, वो पैसा आपके पास है तो आप
आपने सिप के ऊपर भी आपने रिकमेंडेशन किया या ETF की भी आपने बात की, स्टॉक मार्केट पे भी है और रिसर्च की भी आपने बात करी। आपका कोई टिप है 20 से लेके 35 साल की इस एज ग्रुप के लोगों के बारे में जो करियर इन्होंने शुरू किया है, पैसे हैं इनके पास राइट, और एनर्जी है, ड्रीम्स हैं, हाउ डू दे मैनेज देयर फंड्स, या ऐसी कोई मिस्टेक है जो ये 20 से 35 साल वाले लोग कर देते हैं? देखिए जी, ये ना एक्चुअली क्या है कि पहली चीज़ तो क्या है, जो 20 से 35 साल वाले हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं है ना भाई। बेसिकली क्या है, आपकी जो सैलरी आ रही है आप खर्च कर रहे हो, आप सेविंग की तरफ फोकस करो। हाँ। और पहली चीज़ तो मैं बोलता हूँ, जो बंदा पढ़ रहा है ना, मेरा तो ये मानना है, मैं हर एक को बोलता हूँ इंक्लूडिंग माई सन, कि आप ना CFA करो। CFA जो बाहर वाला CFA है वो करो, और वो करो इसलिए नहीं कि आपको जॉब करनी है, आप ना वैल्यूएशन का खेल समझो, क्या चीज़ सस्ती है क्या चीज़ महंगी है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। okay. अधिकतर लोग देखो, आप हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, लोगों के पास ज़मीनें हैं। hmm. यार अपने ही पैसे को मैनेज कर लो ना तरीके से। आप एक देखो ना, नथिंग कम्स फ्री। अगर आप IIT IIM कर रहे हो उसके बाद भी ना आपके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस है, यार यहाँ पर पढ़ लिख के आप निवेश करो ना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक कॉलेज का जूनियर है, हिज सन वॉन्टेड टू मीट मी है ना, मेरे को वो फ़ोन करता था बट मैं बात नहीं करता था। फिर सडनली एक मेरा मीट था, ऐसे ही मैंने पार्क में रखा हुआ था, ओवर हियर देर ही केम, तो ट्रेनिंग करी उसने मेरे यहाँ पर, सीखा अच्छे से, शिद्दत से सीखा, उसका नाम श्रेष नागपाल है, सीखा। उसके बाद उसका पैशन अभी भी शेयर बाज़ार था, फिर उसको ना एक अटैक सा हुआ कि मैं कोई वेंचर करता हूँ, स्कीम लेके आया, उसके पापा मेरे पास आए। मैंने बोला भाई तेरे पापा के पास पैसे हैं तो तू उनके 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराएगा, तूने करा क्या यार, मेन DTU से तू इंजीनियर है, भाई तेरा है नहीं जिसको तेरे को पढ़ाना है, बहन की तेरे को शादी नहीं करनी, पापा खड़े हुए, चुपचाप जाके जॉब कर। बट उसका पैशन था शेयर बाज़ार, ठीक है ना। एक स्टॉक हमने लिया हुआ था, वो गिर रहा था, ही कॉल्ड मी अप, सर ये आपका स्टाइल नहीं है, आप इसमें से एग्जिट करो। आई ऑफर्ड हिम, मैंने कहा जॉब छोड़ो हमारे साथ आ जा। नाउ ही इज परस्यूइंग हिज CFA, Level 1 हो चुका है, Level 2 अभी क्लियर हो जाएगा महीने भर के अंदर उसका। okay. जब भी एग्जाम होंगे तो आप पढ़ लिख के यहाँ निवेश करो ना, चीज़ चेंज होती है। आप एक चीज़ देखो ना, हर व्यक्ति तो दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर नहीं रह रहा है, अगर आप IT के अंदर हो तो बेंगलोर जॉब करोगे है ना। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। हाँ। तो शेयर बाजार वो एक चीज़ है जो बच्चे को भी, फैमिली को भी जोड़ देती है। हाँ, बट आप पढ़ो तो सही ना, पढ़ लिख के काम करो ना। शेयर बाजार में वो पोटेंशियल है कि आप अपने PF के पैसे को, अपने ग्रेजुटी जो आपकी जो आपने जॉब में जोड़ा हुआ है, उस पैसे को बच्चे को दे सकते हो, प्रोवाइडेड वो पढ़ लिख के निवेश कर रहा है। और आप जो ये सेविंग वाली हैबिट और क्रेडिट कार्ड को एक्सेस में यूज़ कर रही है ये जनरेशन, इसके बारे में थोड़ी और कोई चीज़, जैसे इनको हम सही ट्रैक कैसे दें? ये एक तो बात हो गई, पैसा होगा ही नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? ये जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है इतना आपके इस, आपको क्यों लगता है, जैसे आपके बच्चे भी इसी एज ग्रुप में है, आपका बेटा भी इसी एज ग्रुप में है, व्हाई दिस 20-35 एज ग्रुप पीपल आर स्पेंडिंग सो मच, मतलब व्हाट इज मार्केट में हो क्या रहा है? जैसा देखिए जी, पता क्या, इन्होंने हार्डशिप देखा नहीं है, आज की डेट में सैलरीज भी अच्छी हैं, पेरेंट्स आर डूइंग गुड, तो पैकेज अच्छा मिलता है, दे वॉन्ट टू एन्जॉय। ये नहीं पता कि वक्त ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, राइट है ना। तो पहली चीज़ तो क्या है, आपको सेविंग की तरफ, निवेश की तरफ तो फोकस करना ही चाहिए। दिस इज़ नॉट वेस्ट कि यहाँ पर कल को आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा ना। तो 1975 में एक आम आदमी को एम्स में बेड मिलता था, ना आज एक आम आदमी को एम्स में बेड मिलता है, ना यही हाल दिल्ली में सफदरजंग का है। तो आपको अपने बुरे वक्त के लिए तो सेफ करना ही करना है ना, तो सेविंग की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, शेयर बाज़ार की तरफ फोकस होना चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार वो एक चीज़ है जो ना आपका नज़रिया बदल देता है। प्लस क्या है, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको जो मैंने सीखा है, आज की डेट में तो देखो जी फीमेल्स भी पढ़ी लिखी हैं है ना। अब शाम को आप क्या करोगे है ना, आप भैया निवेश करो, अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व करो, तो जो पार्टनर है ना आपका लाइफ पार्टनर, वो ना आपको हॉलीडे भी कराएगा यार प्रॉफिट से है ना। नहीं तो आदमी क्या है, एक मकान, दो मकान, तीन मकान के पीछे भागता रहता है। सोच समझ के करो ना, फीमेल्स का तो विजडम भी बहुत बढ़िया होता है। मैं तो हर मतलब कि जो फीमेल्स होती हैं उनको बोलता हूँ, आपको तो शेयर बाज़ार में आना ही आना चाहिए। मेरे एक बड़े फैमिली फ्रेंड है, मैंने उनकी डॉटर को बोला, मैंने कहा ये क्या जॉब कर रहे हो भैया, शेयर मार्केट के अंदर आ, दो हॉलीडे अपने इन लॉज को कराएगी ना तो वो भी तेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो वो कहती जी वो तो वैसे ही घूमते रहते हैं। मैंने कहा ये चीज़ अलग है, बट ना शेयर बाज़ार की ताकत है जी।
आपको एंजॉयमेंट करा देती है। सैलरी पे तो आप 30% टैक्स दे रहे हो, यहाँ तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हो, तो स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये टैक्सेशन वाला पार्ट थोड़ा और बताइएगा ना सर, 12.5% वाला। देखिए लॉन्ग टर्म पे 12.5% टैक्स है। लॉन्ग टर्म किसको मानती है? एक साल से ऊपर जो होल्डिंग है आपकी। और एक चीज बताऊं, टैक्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने जब चांदी ली थी एक साल पहले, जब मैंने एक साल पहले चांदी ली थी, मेरे कुछ लोग आए, सर चांदी पे तो जो गेन होगा, चांदी का जो ETF है वो ना आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर उस पर सरचार्ज भी जाएगा। तो मैंने कहा मेरे को चांदी अच्छी लग रही है तो मैं क्या चांदी नहीं लूँ टैक्स देने के लिए? कमाने की चिंता करो, कमाए हुए पैसे पर। लोग क्या करते हैं, कमाए हुए पैसे पर कमाने के लिए पैसे को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। कमाए हुए पैसे पर कमाने की चिंता मत करो, है ना। अब आपको, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, टैक्स जाएगा तो मैं चांदी नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा जी, दे देंगे टैक्स यार, कमा के ही तो दे रहे हैं, दिक्कत क्या है। अब देखो ना, इस साल तो रूल ही चेंज हो गया ना ETF का, कमोडिटी ETF का भी, अब तो उस पर भी जो बेनिफिट है वो चेंज हो गया ना, अब उस पर भी इनकम में ऐड नहीं होगा ना। तो कमाए हुए पैसे पर कमाने की चिंता मत करो, टैक्स तो टैक्स की चिंता मत करो, इतना टैक्स जाए, कमा के तो टैक्स दे रहे हो यार, कौन सा जेब से टैक्स दे रहे हो आप। बहुत कमाल की बातें हमने आपके साथ की सर आज, हमारी इस पूरी डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, हमारी ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इस बातचीत में मिस हो गई लेकिन हमारी ऑडियंस तक आप ज़रूर बोलना चाहेंगे, ऐसी कोई लास्ट मैसेज अगर आप कोई देना चाहें तो? देखो जी, एक कहावत है ना, जैसे पहले एक कहावत आपने सुनी होगी, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना, जो फैमिली दैट इट्स टुगेदर सिट्स टुगेदर ना, बंधे रहते हो। देखो जी, निवेश जो है ना बढ़िया चीज़ है आज की डेट में। तो आप देखो, मतलब कि फैमिली होती है, आप माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, है ना, आप पढ़ लिख के आपस में डिस्कशन करो ना यार, शाम को बैठो ना टेबल के ऊपर, क्या दिक्कत है, है ना, दिक्कत क्या है। आप बैठो ना एक घंटा, डिस्कशन करो, निवेश करो, जैसे कहते हैं ना, फैमिली डैट्स ईट्स टुगेदर सिट्स टुगेदर लिव टुगेदर, तो निवेश भी करो ना साथ में, दिक्कत क्या है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और स्टॉक मार्केट ना एक लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है जी, है ना। तो सोच समझ कर, पढ़ लिख कर आप निवेश करो अच्छे से, मतलब कि लाइफ चेंज होती है, आपकी क्लास चेंज होती है। मेरा ये मानना है कि जो भारत का एक आम, मतलब कि मिडिल क्लास है ना, वो अगर पढ़ लिख कर सोच समझ के निवेश करेगा ना शेयर बाजार के अंदर, 2-4 के पीछे नहीं भागेगा ओवरनाइट, तो अपना डेफिनेटली ना जीवन चेंज कर लेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ो यार, अच्छी जॉब में रहो, तो उस पैसे पे भी तो रिटर्न कमाने की सोचो ना, शेयर मार्केट में निवेश करो, दिक्कत क्या है। और कोई रिसोर्स अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें जहां से लोग अच्छा सीख सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़? देखो जी, पता है क्या, देखो जी, सारी रिसर्च ना फ्री में मिलती है, रिसर्च फ्री में मिलती है। देखो जी, ट्रेडिंग के लिए चार्ट देखने हैं, ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल है, बेसिक चार्टिंग आपको अवेलेबल है, जो उसका पेड वर्जन है मिनिमम 10-11 हज़ार रुपये साल वाला है, उससे काम हो जाता है, ठीक है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, NSE की वेबसाइट है, वो आपको चीज़ें देती है। BSE की एक वेबसाइट है, BSEAlerts.com, है ना, वो 500 रुपये साल का लेती है। आप मतलब कि अपने अलर्ट्स, जितनी स्क्रिप्ट को आप ट्रैक कर रहे हो उसके अलर्ट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे कंपनी की, BSE की तरफ से यार। और क्या चीज़ें चाहिए आपको, बेसिक सी रिसर्च है, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, है ना। पढ़ना आना चाहिए यार, अब बैलेंस शीट सीखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, दिल की गहराइयों से हमारे सब की तरफ से आपका बहुत सारा धन्यवाद राकेश बंसल जी। आपने ना एक बहुत कमाल का पर्सपेक्टिव हमें आज दिया, और इसी शो पर बहुत सारे लोगों से हमने पहले भी बात की है, और आपने आज जो रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करी है ना, दैट इज़ रियली रियली वैल्यूएबल। और मेरा ऐसा मानना है आपने एक फ्री मास्टर क्लास हमें पिछले 30-45 मिनटों में दे दी है, तो थैंक यू सो मच हम सब की तरफ से। और आज के इस वीडियो ने स्टॉक मार्केट को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर, सेविंग्स को लेकर, वेल्थ क्रिएशन को लेकर अगर कोई आपके विचार को बदला हो तो नीचे कॉमेंट में आप हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा कौन सी एक चीज़ है जो आज आप यहाँ से सीख रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आप अमल करने वाले, उसको आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और हम सबकी तरफ से एक बार फिर से राकेश जी का बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच।